हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम फोटोग्राफी के बारे में। इसके लिए हमको इस एंगल में एक फ़ोटो लेनी है, फिर इसके बाद हमको शेयर बटन पर जाना है और इसको पिकआर्ट्स में खोलना है। पिकआर्ट्स में जब हमारा ये खुल जाएगा तो इसके बाद हम इसको यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद इसको हम ड्रॉ पर जाएंगे। ड्रॉ पर जाने के बाद हम इस फ़ोटो की लेयर को सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम ऊपर क्लिक करेंगे, इस फ़ोटो की लेयर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमको रबर पे जाना है। रबर पे जाने के बाद हमको अपने साइज़ को मैनेज करना है कि जिस साइज़ में हमको निकालना है उसकी हार्डनेस हमें 100 रखनी है और हमको ऐसे रबिंग करनी है। और थोड़ा जल्दी करने के लिए हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे रबर पे आएंगे। रबर पे आने के बाद साइज़ को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद हम इसको साइड पे करेंगे, ऐसे हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। और हमारी ये फ़ोटो तैयार हो गई, क्रॉप हो गई। अब इसको हमको सेव करना है। इसके लिए हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमको उस फ़ोटो पे जाना है जिस पे हमको ये फ़ोटो लगानी है। अब ये फ़ोटो हमारे इंस्टाग्राम की कैसे बनी ये हम बताते हैं आपको। आपको सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम पेज खोलना है। उस इंस्टाग्राम पेज पर आपको एक स्क्रीन शॉट लेना है। अब स्क्रीन शॉट लेने के बाद देखिए कैसी फ़ोटो दिखती है, हम आपको दिखाते हैं। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम का एक फ़ोटो लिया हुआ है। ये फ़ोटो मैंने इंस्टाग्राम की ले ली हुई है स्क्रीनशॉट। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे बिल्कुल बराबर इसी तरीके। अब इसके पीछे जो विंडो लगी है वो विंडो कैसे लगानी है वो भी देखिए। ये विंडो है यहाँ पे। इसका फ़ोटो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम इसी के हिसाब से मैनेज कर लेंगे बिल्कुल लाइन से बराबर से। अब यहाँ से रबिंग पे आके नीचे जो एक्स्ट्रा है इसको हम हटा देंगे, इसलिए रबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। इसको हार्डनेस 100 कर देंगे ताकि एक बार क्लिक करने पे ये चला जाए। अब ये फ़ोटो दिख रही है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। जहाँ तक ये लाइन है इस लाइन पे हम इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक होने के बाद हमारा देखिए फ़ोटो उसी शेप में आ गई है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर वो जो क्रॉप की हुई वाली फ़ोटो है उस फ़ोटो को हमें ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे आएंगे। ऐड फ़ोटो पे आने के बाद हम यहाँ पे फ़ोटो को क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ़ोटो सेट कर देंगे। अब अपने हिसाब से फ़ोटो को सेट कर लीजिए आप, जैसे भी आपको बैठाना है, जैसे भी आपको लगानी है। और ये हमारी फ़ोटो सेट हो गई। अब इसमें हमको शैडो लगाना है। शैडो हमारा ये है। इसका शैडो की फ़ोटो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। अब इस शैडो को हमें वहीं पे लगाना है जहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, इससे आगे पीछे हमको कहीं नहीं लगाना है। अब ये शैडो बंदे के ऊपर दिख रहा है, इसके लिए हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मूव डाउन करेंगे तो ये बंदे के पीछे हमारी शैडो चली जाएगी। अब ये हमारी शैडो यहाँ पे, इसको यहाँ पे लगाने के बाद हम इसको जो ऊपर की जो लाइन है इस पर हमको रबिंग करनी है, मतलब इसको हटाना है लाइन को, जिससे हमको समझ में आए लगे कि ये फ़ोटो वाकई में सही लग रही है। अब हमने इसको रबिंग कर दी यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। अब हमको इसको मूव डाउन कर देंगे तो ये शैडो जो है मेरा वो पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे मेरी फ़ोटो तैयार हो गई शैडो वाली, इसको हम टिक कर देंगे। इसके बाद हमको अब ड्रॉ पे आना है। ड्रॉ पे आएंगे। ड्रॉ पे आने के बाद हमको इस ड्रॉ पे जाना है। इस ड्रॉ पे जाने के बाद पेंसिल मुझको सेलेक्ट करनी है। पेंसिल सेलेक्ट कर लेंगे, हमारी ये पेंसिल सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे हम साइज़ पे आएंगे। साइज़ को हमको यहाँ पे सिर्फ 65 तक रखना है, 65 to 70 तक। अब यहाँ पे ओपेसिटी हमको यहाँ पे 25 रखनी है। और यहाँ पे हमको 3 डॉट्स पे यहाँ पे आके हार्डनेस को टोटल 1 कर देना है और यहाँ पे सेट कर लेना है।
अब हमको यहाँ पे रबिंग करनी है। अब रबिंग हमको यहाँ पे पैरों को सिर्फ साइड साइड करनी है, जिससे कि हमको दिखे कि पैरों का शेडो जो है हमारा फ़ोटो पे पड़ रहा है। और इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान देना है कि ये रबिंग जो हमें डबल बार नहीं करनी, क्योंकि डबल बार करेंगे तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अब हमारी रबिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आएंगे और उसको सेव कर देंगे। फ़ोटो हमारी सेव हो गई। अब हमें इसमें एक काम और करना है, इस फ़ोटो को हमें लाइट रूम में खोलना है। यहाँ पे शेयर करेंगे और लाइट रूम में जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे लाइट रूम में वापस आके देखेंगे फ़ोटो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो को खोल दिया। अब हमें इसमें तीन काम करने हैं। सबसे पहला काम, इसमें जो फ़ोटो है वाइट वाइट ज़्यादा है और वो फ़ोटो के साथ नहीं मैच हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्स नंबर ऑप्शन पर आएंगे और हाईलाइट है, हाईलाइट को बिल्कुल कम कर देंगे, अपने हिसाब से कम कर देंगे जिससे वो फ़ोटो से मैच करे। हाईलाइट को हमने बिल्कुल कम कर दिया, 65 तक रख दिया है। अब इसके बाद हम वाइट पे आएंगे, वाइट को हम बढ़ा देंगे, वाइट को 21 कर देंगे। अब आएंगे हम शैडो पे, शैडो को हमको हल्का सा कम करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा कम करेंगे तो देखिए जो फ़ोटो है वो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, तो इसलिए हमको शैडो हल्का सा बिल्कुल कम करना है। सिर्फ हमको सिर्फ 9 तक रख देंगे बस, ज़्यादा नहीं, और माइनस में नहीं करना है शैडो। अब हमारी फ़ोटो बन गई है और इन दोनों एप्लीकेशन का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अब हमको इस फ़ोटो को सेव करना है, हम थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे और सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके इस फ़ोटो को सेव कर लेंगे। हमारी फ़ोटो तैयार हो गई। धन्यवाद।